नमस्ते बच्चों, आज हम प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। तो आज हम पहला प्रेपोजिशन लेते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के आगे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के आगे पड़ी हो, लिख लेते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के आगे पड़ी हो तब किसका प्रयोग होता है? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसी चीज को हम एग्जांपल में देखते हैं। मेरे हाथ में एक कैटल है, कैटल कहाँ पड़ी है? बोर्ड के आगे। तो इसी को हम लिख लेते हैं, द कैटल इज इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, इसके आगे है। ठीक है, ये हमारा खुला। फिर दूसरा देखते हैं, कप का है इन फ्रंट ऑफ कैटल, इसको भी लिख लेते हैं, द कप इज इन फ्रंट ऑफ द कैटल। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए हमारे, एक ही इन फ्रंट ऑफ पूरा हुआ। अब हम अगला लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है? बिटवीन। दूसरा हमारा है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के बीच पड़ी हुई, ये देखो डस्टर का है बोर्ड और कैटल के बीच में। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के, दूसरी नहीं, इनफैक्ट दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच पड़ी हो तब किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का प्रयोग होता है। ओके, ये हुआ। अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं, द डस्टर इज बिटवीन बोर्ड एंड कैटल। द डस्टर इज बिटवीन द बोर्ड एंड द कैटल। ठीक है, आया समझ में? फिर अब मान लो हम कप देखते, ये मैंने कप रखा, कहाँ है कप? का है बिटवीन बोर्ड एंड डस्टर। द कप इज बिटवीन द बोर्ड एंड द डस्टर। ठीक है, ये आया होगा समझ में, जब कोई एक वस्तु दो वस्तुओं के बीच पड़ी हो। ओके, यहां हमारा ये एक और
प्रेपोजिशन पूरा हुआ अब हम अगला प्रीपोजिशन लेंगे बिहाइंड कौन सा बिहाइंड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे तीसरा हमारा प्रीपोजिशन है बिहाइंड ठीक है बिहाइंड का मतलब हुआ पीछे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे हो चलिए हम ये यही ले लेते हैं वापस से आप कहेंगे मैडम ये की ये ले रही बेटा चीजें यही है मेरे पास कैटल और कप तो वेयर इज द कप कप कहाँ है बिहाइंड द कैटल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे के पीछे पड़ी हो पीछे रखी हो या पड़ी हो तब किसका यूज होता है बिहाइंड का प्रयोग होता है ओके देखिए कैसे कप इज बिहाइंड द कैटल द कप इज बिहाइंड द कैटल आया समझ में अब बोर्ड कहाँ है कैटल के पीछे द बोर्ड इज बिहाइंड द ओके बच्चों तो ये हमारे तीन प्रेपोजिशन यहाँ पूरे हुए चलिए इससे आगे हम और अगली क्लासों में करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं आई होप कि ये तीनों प्रीपोजिशन का उपयोग समझ में आ गया होगा थैंक यू